आज आपने बड़ी तादाद पेड़ लगाए हैं, किस किस प्रजाति के पेड़ लगाए हैं और आपने क्या संदेश दिया है? आज भारतीय जनता पार्टी रैनी मंडल के तत्वाधान में वाहन पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रगति पार्क में। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, क्राइम रिपोर्टर दिलीप चंद्र पांडे के साथ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पृथ्वी को हरा भरा रखने एवं प्रदूषण से मुक्ति के लिए प्रयागराज में वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी, मंडल अध्यक्ष दिलीप केसरवानी, महामंत्री रामजी मिश्रा, महामंत्री ओम प्रकाश मिश्रा, विनोद चंद्र दुबे, मंडल प्रभारी दिनेश सिंह ओबीसी वर्ग मोर्चा, नैनी मंडल अध्यक्ष समर बहादुर सिंह, श्याम मिश्रा आदि उपस्थित रहे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम नैनी मंडल की तरफ से आवास विकास कॉलोनी नैनी में किया गया। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। ये एक पखवाड़ा रखा वृक्षारोपण का, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने मंडल के माध्यम से, अपने मोर्चों के माध्यम से ये वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा नेक काम, ये बड़ा पुनीत काम। वृक्ष बहुत आवश्यक है और बिना वृक्ष के जल की वर्षा भी नहीं हो सकती। तो ये प्रकृति का जो संतुलन है वो बिना वृक्ष के संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को लिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने और उत्तर प्रदेश शासन के साथ साथ हमारे केंद्र शासन ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी हम सब का आह्वान किया है कि हम सब इस पखवाड़े में, जिसमें पेड़ लगने में सुविधा रहती, तो ऐसा हम सब पेड़ लगा करके प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने का काम करें। मैं आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी का, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, देखिए कुछ नाम मैं लेना भूल गया, उधर रवि जी हैं, सुनील जी हैं और पीछे से हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष दो लक्ष्मीकांत जी और श्री हरिकृष्ण तिवारी जी हैं, विनोद शंकर तिवारी जी हैं, राजेश हैं, नागेश जी हैं। आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ, माननीय महानगर अध्यक्ष जी का हृदय से आभारी हूँ, हमारे मंडल के प्रभारी अरुण अग्रवाल जी का हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि मैं इसी मंडल का निवासी हूँ। तो सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आप लोग इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और पूरा उत्साह प्रकट किया। और मैं एक निवेदन भी करता हूँ कि हम सब लोग इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो विभिन्न मोहल्लों में भी होगा, अपने अपने मोहल्ले में स्थान चिन्हित करके, पेड़ मंडल अध्यक्ष जी का काम है, जो पेड़ जहाँ से भी उपलब्ध हो सके उसको लोगों को उपलब्ध कराएं और सब अपना, लेकिन पेड़ लगाना एक काम है और पेड़ को संरक्षित करना दूसरा काम है। तो हम जितने भी पेड़ लगाएं उसकी सुरक्षा भी हो और वो बढ़े भी, इसकी भी चिंता हमारी होनी चाहिए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।